फर्स्ट क्वेश्चन है 3x-1=8। इसके हल करने का तरीका ये होता है कि जो ऐसे लेता रकम है ना, पहले उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। अब माइनस है ना, तो दूसरी तरफ जब जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x=8+1=9। यहाँ पर आपने याद रखना है, जब भी लास्ट पे ये वैल्यू बचा करेगी, इसको आपने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये 3/9 सेम टेबल से काट देंगे, 3 1 3 3 3 9। ठीक है जी, जो सेपरेट वैल्यू है पहले इसको शिफ्ट करना होता है, और फिर बाद में जो भी यहाँ बचेगा उसको डिवाइड कर देना हमने। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, (7x=60+2x)। एक्स वाली एक तरफ कर लेंगे, ये 2x है, इधर आएगा तो -2x, इधर आ गया 60। 7 में से 2x निकालें तो 5x=60। 5 को इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब सेम टेबल से कटिंग कर लेंगे, 5 1s are 5, 1 carry 5 2s are 10। ठीक हो गया, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने एक्स वाली एक तरफ कर ली, कांस्टेंट उधर ही रही, ये माइनस हो गई, और फिर 5 को उधर जाके डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन (5x+4=2x+17)। 5x, अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और +4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 5x में से 2x गए तो 3x, और ये आ जाएगा 13, और ये 3 इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। पहले एक्स वाली एक तरफ हो गई, कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर ली हमने, ये माइनस हो गई, बेस सेम थी, ये भी माइनस हो गई, और ये इधर आकर डिवाइड हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। 5x+11=20x-64। अब ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या है, -64, +11 उधर आकर -11 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस के मैंने रूल्स आपको बताए थे, फिर देख लें। इफ दी साइंस आर सेम, अलामत एक जैसी हैं तो जमा करेंगे अलामत बड़ी रकम की। इफ दी साइंस आर नॉट सेम तो डिफरेंस करेंगे, अलामत बड़ी रकम के लगाएंगे। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, अलामतें मुख्तलिफ हैं। 15 में से 20 में से 5 गए तो 15 आएगा। अब 20 बड़ा है ना, तो अलामत 20 की लगाएंगे। ऐसे अलामतें एक जैसी हैं, जमा करेंगे, 4 और 1 5, 6 और 1 7, अलामत बड़ी रकम की। ये आपने बस याद रखना है इन चीज़ों में, प्लस करें या माइनस करें, अलामतें एक जैसी हैं तो जमा करें, चाहे वो दोनों माइनस की हैं लेकिन है तो एक जैसी ना, सेम है, और अलामत बड़ी रकम की। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, जब भी लास्ट पे ऐसे होगा तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 75/15। अब आपको टेबल कम अज़ कम इतने आने चाहिए, 15 1s are और 15 5s are 75 होता है। ठीक है, अगर आपने छोटे टेबल से काटना है तो छोटे टेबल्स से भी करके काटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। 3 × 2x-5=21। 3 2s are 6x, 3 5s are 15। अब ये एक्स वाली और ये कांस्टेंट, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, 5 4 1 6 2 और 1 3, ये 6 जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 6 are 36। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 3 × x+2=5-2x-3। 3x, 3 2s are 6,
माइनस टू एक्स, अभी इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो ये आ गया थ्री एक्स, ये माइनस टू एक्स इधर आएगा तो प्लस टू एक्स, और ये फाइव और सिक्स अलेवन हो गए, ये प्लस सिक्स उधर आकर माइनस सिक्स, लामते एक जैसी हैं जमा कर लेंगे, तीन और दो पाँच एक्स, ग्यारह में से छः गए तो पाँच, पाँच पाँच से कैंसिल कर दें तो कुछ ना हो तो वन आ जाता है, कटिंग अगर हो ना, ठीक है। पहले थ्री को मल्टीप्लाई किया, थ्री एक्स, थ्री टू ज़ार सिक्स, फाइव वैसे आ गया टू एक्स, इस माइनस की वजह से लामत चेंज, टू थ्री ज़ार सिक्स हो गया। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स ऐड कर दिए, ये इधर आकर माइनस थ्री प्लस हो गई, दोनों का ऐड किया और ये हमारा आंसर आ गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू टू, एक्स प्लस थ्री प्लस टेन एक्स, माइनस थ्री एक्स, इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज, थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर, ये आ गया टू एक्स प्लस टू थ्री ज़ार सिक्स प्लस टेन एक्स, माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, ये भी एक्स वाली ये भी एक्स वाली, ये हो गया ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स, माइनस थ्री एक्स, ये इधर आकर माइनस हो गया, माइनस ट्वेंटी फोर इधर आके प्लस ट्वेंटी फोर, लामते एक जैसी हैं जमा कर लें, फिफ्टीन एक्स, पंद्रह और छः तीस, लास्ट पे जो वैल्यू बचती है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाती है, पंद्रह दो तीस, लामत माइनस की ये वाली। फिर देखें पहले थ्री को मल्टीप्लाई किया, इस माइनस की वजह से ये लामत चेंज करेंगे, थ्री एक्स थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर, टू एक्स प्लस टू थ्री ज़ार सिक्स, ये वैसे आ गए, ये दोनों एक्स वाली जमा करके बारह हो गई, ये वैसे आ गए, अभी एक्स वाली इधर आ गई कॉन्स्टेंट उधर ले गई, ये प्लस थी इधर आकर माइनस हो गई, ये माइनस थी उधर जाकर प्लस हो गई, लामतें एक जैसी हो तो जमा करते हैं, लामत बढ़ जाकर निकल करते हैं, ये इधर आकर डिवाइड हुआ, एक टेबल में आ रही है तो कटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है एट, थ्री इंटू टू एक्स माइनस एट इक्वल टू टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स एक्स, माइनस थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर, टू एक्स माइनस टू एक्स, इस माइनस की वजह से लामत चेंज, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू एक्स से कैंसिल, ये बचा सिक्स एक्स, ये आ गया माइनस सिक्स, इसको उठा के इधर लाएँ तो प्लस हो जाएगी, अब अलामतें मुख्तलिफ हैं, चौबीस में से छः गए तो अठारह आ जाएगा, और ये छः इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिक्स थ्री ज़ार एटीन, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, सिक्स माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स, तो सिक्स माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टू एक्स प्लस टू फाइव ज़ार टेन, अब ये एक बटा हो गया इक्वल टू सिक्स फोर एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस टू एक्स प्लस टेन ओवर थ्री फोर एक्स, अब ये सिक्स इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब नीचे से तीन ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वन लगा लें, उधर वन जाएगा कुछ नहीं होगा, माइनस टू एक्स प्लस टेन, थ्री उधर जाके ऐसे ज़रब हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे फोर एक्स माइनस सिक्स, ब्रैकेट खोलेंगे, इस माइनस की वजह से ये लामते चेंज हो जाएंगी, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री सिक्स ज़ार एटीन, एक्स वाली एक तरफ कर लें, प्लस बारह इधर आकर माइनस बारह एक्स हो गया, माइनस टेन ना इधर जाकर प्लस टेन हो जाएगा, लामते एक जैसी हैं जमा कर लेंगे, लामते मुख्तलिफ हैं तफरीक कर लेंगे, चौदह उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा,
दो चार आठ, 2 4 8, 2 7 14। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x 2 5 10, लामा चेंज नहीं करनी क्योंकि माइनस बाहर ही है, फिर ये उठा के इधर ले जाएंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 को ख़त्म करने के लिए, 3 उधर चला गया उधर कुछ भी नहीं जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज, 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली हमने एक तरफ कर लेनी है, अब इनके लामते एक जैसी हैं तो जमा हो जाएंगे, लामते मुतलिफ तफरीक, लामत बड़ी रकम की, डिवाइड करेंगे, कटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर और अच्छा वो 9 और 10 एक ही था, 11 2/3x -1/2 इज इक्वल टू 7/6 +1/2x। तो या तो आपको एलसीएम आना चाहिए, तो या फिर चलो एलसीएम कर लेते हैं, देसी एलसीएम। आज एक मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा, उसका नाम है देसी एलसीएम। ये कब लगाना है, जब दोनों रुक में बटे में और एक जैसी ना हो, जैसे ये 3 के टेबल में है और ये 2 के टेबल में, तो कैसे करेंगे, 3 2 6 ये था पहला स्टेप, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4x माइनस, और इसको इधर करेंगे 3, नीचे वाली मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, पहले इसको इधर जरूर करेंगे और फिर इसको इधर करेंगे, ठीक हो गया। और इधर हमने एलसीएम करना है ये वाला 6 और 2, 2 3 6, 2 1 2, 3 1 3, और ये 1 का 1। अब ये आएगा 6, तो ये लिखना 6 यहाँ पर, और दो खाने बना लेने जैसे मैंने पहले आपको करवाया था, 6 को अंदर लिखेंगे, एक के बाद ये 6 और एक के बाद ये 2 लिखेंगे, 6 1 6, 2 3 6। इस 6 के ऊपर जो वैल्यू उसको इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 2 के आंसर को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे 7, ये वाली अलामत और ये 3, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा 4x-3, 7+3 ये 10 हो जाएगा, उसके बाद -3 है दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, 4x बराबर ये हो गया 13, लास्ट पे 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इधर हमने देसी एलसीएम किया, 3 स्टेप होते हैं, पहले नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई किए, इसको इधर मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने एलसीएम किया 6 और 2 का किया, तो 6 आया, 6 इधर लिखा, दो खाने बना लिए, एक को 6 से डिवाइड करना है, एक को 2 से डिवाइड करना है, इनके जो आंसर आएंगे उनको इसके ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करके जो जवाब है यहाँ लिखेंगे, 6 6 से कैंसिल हो गया, ये जमा हो गई, ये इधर जाके और फिर डिवाइड कर दिया हमने। 12वां, 5/4x+3 -1/4। अब देसी एलसीएम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मान लगा लें, देसी एलसीएम में पहले नीचे तरफ करेंगे, फिर 1 को इधर करेंगे तो 5 ही आएगा, 4 के इधर करेंगे तो 12, इधर भी देसी एलसीएम नीचे 1 लगा लें, 4 1 4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 1 1 1, 4 को 4 से कैंसिल करें, 5x+12 -4x-1, तो ये 4x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 12 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो x -12 और 1 -13 आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ हमने देसी एलसीएम किया, नीचे से सेम वैल्यू थी तो कटिंग कर ली, और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई।